नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीई के बारे में, दुबई के बारे में। जी हाँ, कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे, एयरपोर्ट के बारे में, फ्लाइट के बारे में, आईसीए अप्रूवल या जीडीआरएफ अप्रूवल लोगों को नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन लोग जा सकते हैं, बहुत सारी डिटेल जो वीई से रिलेटेड जितने भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कई लोग मालदीव से या फिर अर्मेनिया से भी जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी वीई सरकार ने ग्रीन लिस्ट से हटा दिया है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे भाई। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वीई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो भाई दुबई एयरपोर्ट, जी हाँ, कोरोना काल में सबसे ज्यादा व्यस्ततम माना जाने वाला एयरपोर्ट है। जी हाँ, पिछले अगर 6 महीने में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1,06,00,000 लोग ट्रांजिट हुए हैं। जी हाँ, आना जाना 1,06,00,000 लोगों का हुआ है, जिसमें भाई देखिए दबदबा हमेशा इंडिया का ही रहता है, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ। जी हाँ, और खासतौर से गल्फ देशों की बात करें तो हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 40% कम रहा है। 2020 के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो 40% लोग कम आए। जी हाँ, अगर भारत की बात करें तो 1,06,00,000 लोगों में लगभग 19 लाख प्लस, यानी 20 लाख के लगभग तो इंडियन लोगों ने ट्रांजिट किया। जी हाँ, एयरपोर्ट पे यानी एंट्री हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान की बात करें तो 7 लाख लोगों का आना जाना हुआ है, रूस की बात करें तो 4 लाख लोगों का, और मिस्र की बात करें तो भी लगभग 4 लाख लोगों का, अदीस अबाबा की अगर बात करें तो बता दूँ लगभग 3.5 लाख लोगों का, काहिरा की बात करें तो लगभग 3.5 लाख लोग, जी हाँ, मॉस्को की बात करें तो लगभग 3,44,000 लोगों का आना जाना हुआ है। अन्य में जैसे इथोपिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया या फिर यूएसए वगैरह, वो कंट्री आती हैं। जी हाँ, इनमें सबसे ज़्यादा इंडियन लोग रहे हैं, बाकी अभी फ्लाइटें ओपन हो रही हैं, तो भाई और भी लोग इंडियन लोगों का जो ट्रांजिट है, आना जाना है, वो बढ़ेगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट अपन एक टॉपिक पे बात करते हैं भाई, एक्सपो 2020 यार आप सबको पता ही है, इन 2020 एक्सपो की कितनी मतलब रेंज रहेगी, अगर रेंज का मतलब टिकटों की भाई, एक्सपो में भी देख लेना आपको फ्री एंट्री नहीं है। वीई सरकार का, दुबई सरकार का बड़ा पैमाने पे, यानी मैंने पहले बताया था ना 25 लाख प्लस लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उनसे सबसे एंट्री फीस ली जाएगी। ये नहीं कि आप वीई में इंडियन लोग बैठे हो या दूसरे देशों के लोग बैठे हो आप देखने के लिए चले जाओगे, बाकायदा उनका फीस चार्ज रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि फीस चार्ज कैसे रहेगा, क्या क्या कैटेगरी रहेगी, किन किन लोगों को फ्री एंट्री मिलेगी, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। जी हाँ, हालांकि 100 से ज़्यादा काउंटर बनाए गए हैं टिकटों को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, अलग अलग तरीके से ज़्यादा टिकटें सेल की जाएं। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए एक दिन के लिए एंट्री करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो बता दूँ 95 दिराम लगेगा आपका, यानी एक दिन अगर आप घूम के आते हैं तो आप मान के चलिए 100 दिराम आपका खर्चा है वहाँ पे घूमने का। जी हाँ, इसी को अगर आप एक्सटेंड कर लेते हैं 30 दिन के लिए, अगर आप इसी को 30 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है भाई। यानी कहाँ एक दिन का 95 है, 30 दिन यानी एक महीने का आपको 195 यानी 200 दिराम, जी हाँ, दुबई दिराम आपका लगेगा। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है। अगर आप इसी को 6 महीने, क्योंकि ये 6 महीने तक चलने वाला भाई, मार्च 2022 तक ये चलेगा, अगर 6 महीने की आप एंट्री ले लेते हैं एक साथ, अगर आप टिकट ले लेते हैं तो 495 यानी 495 दुबई दराम आपको देके आप 6 महीने के लिए फ्री एंट्री पा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी है भाई, 500 दराम आप खर्च कर देते हैं 6 महीने में, कितनी बार आओ जाओ कोई रोक टोक आपकी नहीं होने वाली है। जी हाँ, कुछ लोगों को फ्री में भी रहेगा भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में भी टिकट दी जाएगी, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, 4-5 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, इसमें पहले मैं बात कर लेंगे जिन्होंने, मैं बता दूँ दुबई जो इमरेट्स एयरलाइन है भाई, अमीरात एयरलाइन है दुबई की, उनके द्वारा आप इंडिया से पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं यानी उसकी टिकट से आप जाते हैं तो उन लोगों के लिए ये यात्रा फ्री रहेगी। इसका भी एक लॉजिक है, मैं बाद में बताऊंगा क्या लॉजिक हो सकता है कि इसी फ्लाइट से जाने वालों को फ्री क्यों है भाई, बाकी लोगों को पैसा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। जी हाँ, यानी कम से कम 6 घंटे यात्रा होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि भाई आप यहाँ से पहुँचे 3 घंटे में तो वो तो वैलिड नहीं रहेगा, 6 घंटे तक यात्री इसमें यात्रा मांगी गई है उनको फ्री मिलेगी। जी हाँ, अमीरात एयरलाइन ट्रांजिट यात्री यानी अमीरात एयरलाइन जो फ्लाइट है उसके जो ट्रांजिट यात्री हैं उनको भी फ्री इसमें एंट्री मिल जाएगी। जी हाँ, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे लड़के हैं उनको लिए फ्री एंट्री है, 60 साल या 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए फ्री एंट्री है। जी हाँ, और अगर मान लीजिए आप अपने साथी के साथ में जाते हैं तो उसमें 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यानी जो टिकट आपकी 95 है वो आधे पैसे में आपकी हो जाएगी। इस तरह से ये टिकट का प्रोसेस है भाई, तो आप देख लेना 6 महीने का टाइम में किस किस तरह से कितना पैसा टिकटों का लगने वाला है, और दुबई सरकार इतना पैसा कमाएगी कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, अभी हम
बात करें कि अगर इसको एक्सप्लेन करें कि भाई अमीरात एयरलाइन में आप फ्लाइट करते हो तो ये फ्री क्यों है, ये एक इनडायरेक्टली लोगों को लालच दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी, जो क्योंकि 25 लाख से ज़्यादा लोग दुबई में पहुँचेंगे तो वो ये चाहते हैं कि सभी हमारी फ्लाइटों से आए ताकि रेवेन्यू हमारे देश में पहुँचे। ये एक इनडायरेक्टली मैसेज है कि हर आम आदमी को थोड़ा समझ में कम आता है, समझ रहे हो आपको, क्योंकि दुबई की जो एयरलाइन है उनसे आप आओगे तो आपको वहाँ पे फ्री एंट्री मिल जाएगी, तो आपका तो लालच ये रहेगा कि यार फ्री एंट्री है तो हम इसी फ्लाइट से जाएं, और वो कितना करोड़ों अरबों रुपए 25 लाख लोगों से कमाने की कोशिश करेंगे, ये उनका फार्मूला है। जी हाँ, टिकट की बात करें तो भाई टिकटों के भाव आसमान छू रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त से सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, अप्रूवल जो जिनकी वीज़ा एक्सपायर हो गए वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई, इसलिए फ्लाइटों की रेट बढ़ चुकी है। जहाँ अगर आप पाकिस्तान कराची से इस्लामाबाद, दो तीन स्टेट जो मेन स्टेट हैं वहाँ से अगर आप पाकिस्तान से बात करें कि भाई दुबई पहुँचते हैं तो मिनिमम कम से कम आप 1 लाख रुपये की टिकट मान सकते हैं, 90,000 के और 1 लाख के बीच में पाकिस्तान से दुबई की टिकट आ रही है, आप सोच सकते हैं कितनी महंगी टिकट है। जी हाँ, इंडिया से भी भाई महंगी टिकट है, इंडिया से भी बता दूं लगभग 20,000 से 25,000 30,000। अभी एक जानकार बंदे का फ़ोन आया, बोला एक बंदा मांग रहा है 43,000 यानी 43,000 रुपये, दूसरा मांग रहा है 40,000 रुपये, तीसरा मांग रहा है 35,000 रुपये, यानी ये टिकट है राजस्थान से दुबई पहुँचने के लिए, दिल्ली से टिकटों का भाव बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितने गुना टिकटों का भाव बढ़ चुका है। हालांकि बीच में टिकटें सस्ती हुई थी, 15,000 में भी लोगों को टिकटें मिल रही थी, लेकिन अभी ये भाव जस्ट डबल हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि आने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, इस वजह से फ्लाइटों की संख्या कम है, तो आपको पता है भाई फ्लाइटों फिर तो रेट बढ़नी है, नो डाउट, कोई रोकने वाला है नहीं। हाँ, अगस्त का ये मार रहेगी, अगर आप ये सोच लेते हैं भाई अगस्त में जाके अगले महीने में आप जाते हैं सितंबर में, तो 100% टिकटों के भाव आपको कम देखने को मिल सकते हैं इस महीने, अगस्त के महीने में टिकटों के भाव हाई रहने वाले हैं, तो आपको लगता है कि आपके वीज़ा में टाइम है, आप 10-15 दिन निकाल सकते हैं, तो आप 100% अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में टिकट बनवाएंगे तो आपको 100% टिकटें सस्ती मिल जाएंगी। अगस्त के महीने में भाई टिकटें बहुत महंगी आ रही है। जी हाँ, एक सबसे कॉमन सवाल लोगों का, सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है कि भाई आईसी अप्रूवल। जी हाँ, आपको पता है यार बार बार रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है, जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं आपको सबको सबमिट करना होता है। आप दुबई को छोड़ के जहाँ पर भी आप अलग 6 अमीरात स्टेट हैं वहाँ पर जाओगे तो आपको आईसी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर है चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको आईसी अप्रूवल की लेनी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको GDRF की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, 3-4 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 24 घंटे हो गए, जबकि 3 से 4 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है, ये क्या कारण हो सकता है? लोग बोलते हैं सर हमने डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट कर दिए, जो जो मांगे हमने पूरे डाल दिए, उसके बावजूद ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो देखिए भाई, इसमें आपको गौर करने की बातें हैं, कुछ गलतियां आपकी तरफ से हो रही हैं, नो डाउट, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वो जो उनका ऐप है एल हौसन ऐप है वो तरीके से काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे इंडियन सरकार राजस्थान गवर्नमेंट कोई भर्ती निकालती है तो उसमें लास्ट दिन में मान लो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, यानी वो इतना लोड पड़ जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वर्कलोड उस पर ज़्यादा पड़ जाता है, इंटरनेट ही तो है भाई, वजन तो सबके ऊपर पड़ता है, तो हो सकता है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी तो अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है वेबसाइट। दूसरी बात, अगर बात करें कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करते हैं कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। देखिए कमी क्या हो सकती है कि आप जो PDF फाइल बनाते हैं उसका एक MB है, साइज 100 MB है, कुछ MB है, उसी MB में वो फाइल आपका होना चाहिए, जितनी भी आप कैमरे से मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं अपलोड करते हैं उससे ज़्यादा MB होने के ऊपर वो अपलोड फाइल नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, कुछ कितना MB है भाई वो तो आप निश्चित देख लेना, मुझे कन्फर्म याद नहीं है कितना MB है, उससे कम उसको MB फाइल होनी चाहिए आपकी। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कुछ लिखना होता है तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसकी वजह से ये हो सकता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की भाई सीधा ऑप्शन ही है, मैं तो बार बार कितनी 3-4 वीडियो में बता चुका हूँ, करना कुछ नहीं है यार, इन झंझटों में क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है हाई क्वालिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कर लेते हैं, बाकी आप यार मोबाइलों से अगर ये काम होने लग गए तो ये इंटरनेट या फिर ये लैपटॉप ये सिस्टम क्यों बैठे लेके इतना आसानी से, फिर तो वही हो, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, आपको कुछ नहीं करना भाई, 1,500 इतना ही खर्चा लग रहा है यार आपका टिकट का, आप 15,000 की टिकट के 40,000 दे रहे हो ना, तो 500 रुपये उसको एक्स्ट्रा बोलो कि सर 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा आप मेरा काम करवा दो, कहाँ
जहाँ से टिकट बनवाते हो। मैं तो भाई सीधी सीधी राय देता हूँ, हालांकि कोई आपको बंदा ये नहीं बोलता होगा कि आप वहीं से बनवा लो, लेकिन ये आपके लिए आसानी रहेगी और ये पूरी सरदर्दी अगले की हो जाएगी, अगला पूरा प्रोसेस करेगा। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं। मोबाइल से यार, ये छोटा सा मोबाइल है, इससे क्या कर लोगे आप? ये फोटो खींचोगे तो सही तरीके से नहीं आ पाएगी या कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप उनसे करवा लो। अगर ये भी आप नहीं, आपको लगता है कि आपका दुबई में कोई बंदा है, तो कई लोग ये बोलते हैं सर दुबई से हो रहा है, दुबई से लोग करवा रहे हैं, तो भाई वहाँ से करवा लो। आपके कोई बंदा है जानकार तो वो उनको बोलो कि यार वहाँ जाओ, आपको वहाँ पे कैफे बहुत सारी शॉप वगैरह हैं, तो वहाँ से आप करवा सकते हो, वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। एक मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने अप्रूवल दुबई से मंगवाया है, उनका अप्रूवल तुरंत मिल गया, अभी कल की परसों की उनकी टिकट है, वो चले जाएंगे दुबई। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बाकी आईसी अप्रूवल में, जीडीआरएफ अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान भी आप ही के पास है। कहीं को आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भाई। जो कमी है उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। अक्सर कहीं ना कहीं टैक्स कर रहे हो उसमें मिस्टेक हो रही है, या फिर फोटो आप पीडीएफ सही तरीके से नहीं डाल रहे हो, या फिर और कोई आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हो उसमें कोई डेट की मिस्टेक हो रही है, या फिर उसमें कोई आपके कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायरी हो गए, इसकी वजह से ये अप्रूवल नहीं मिल पा रहा होगा, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको इन चीज़ों का ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आगे आपको पता ही होगा भाई, दुबई वीज़ा वाले दुबई जा सकते हैं, दूसरी स्टेट आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है। ग्रीन एंट्री, ग्रीन कंट्री वाले देश हैं, उनको भाई इन चीज़ों की छूट है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको एयरपोर्ट पर एक टेस्ट होगा, दोनों उनके पास डोज हैं, छः दिन में उनका बाद में एक दोबारा टेस्ट होगा, फिर आराम से वो अपना काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो प्रोसेस है उनके बाद। अन्य जो लोग हैं उनके लिए भाई 7 दिन क्वारंटाइन करना होगा, 6 दिन के बाद एक टेस्ट होगा, फिर वो अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब एक इजी सी, कोई हार्ड काम नहीं। बहुत सारे लोग, ये तो वीज़ा वाले हो गए, विजिट वीज़ा के नाम से कुछ एजेंट हैं, कुछ जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि उनको मालदीव से, अर्नीमिया से, क्योंकि विजिट वीज़ा वाले थर्ड कंट्री में 14 दिन बिता के दुबई जा सकते हैं, तो कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, वो जाना चाहते हैं। तो भाई मालदीव को, अर्मीनिया, जी हाँ, इन देशों को यही सरकार ने ग्रीन लिस्ट से हटा दिया है। और ग्रीन लिस्ट से हटाने का मतलब है कि आप वहाँ पे जो लोग हैं दुबई नहीं जा सकते, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इंडिया के बहुत सारे लोग हो सकते हैं मालदीव में और अर्मेनिया में, अब उन लोगों को वापस आना पड़ेगा, या तो वो वहाँ पे टाइम भी बिताएं कितने भी दिन जब तक वो छूट नहीं मिल जाती, या फिर उनको दुबई जाने में प्रॉब्लम होती है। तो भाई इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि थर्ड कंट्री आप जा रहे हैं तो सोच लें समझ लें, लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी पता लगे कि बैन हो गया, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, जिनके वीज़ा 6 महीने बाद में एक्सपायर हो चुके हैं वो भी लोग भाई दुबई का ट्रेवल कर सकते हैं। आपको सबको पता ही होगा जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करो, दुबई के 6 महीने के वीजा खत्म वाले भी दुबई जा सकते हैं, अप्रूवल मिलना उनको जरूरी, अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। तो बस खास मोटा माटी इतनी न्यूज थी, मैंने आपको लोगों के साथ शेयर कर दी, और जैसे कोई नई अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।